हर हर गंगे। गंगा जी पे जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं ना, अभी तो थोड़ा सा लेट हो गया है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग टाइम पे, तो मुझे मुझे ये चमक बिल्कुल सोने जैसी लगती है, ऐसा मुझे लगता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको भी लगे। और मैं सोच रहा था एक बात कि मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, मुझसे पहले करोड़ों अरबों खरबों लोग ये सब देख चुके होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आया हूँ, मैंने ये सब नोटिस किया, मैंने देखा। मेरी लाइफ है ही कितनी बड़ी, मैक्सिमम 80-90 साल चलेगी, और गंगा जी तो यहाँ पे अगर 100 साल पहले भी कोई आया होगा उसने भी देखा होगा, हिमालय देखे होंगे, हिमालय से गंगा जी को निकलते देखा होगा, सूरज की किरणें 100 साल पहले भी इसी तरह से गंगा जी पर रिफ्लेक्ट हो रही होंगी, 100 साल क्यों, 500 साल पहले भी सेम 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 रहा होगा, कितने लोग बदल गए। लेकिन ये जो पूरा एक सिनेरियो है हिमालय से गंगा जी का निकलना और सूर्य की किरणें उन पर पड़ना, ये तो 100 साल क्यों, 500 साल क्यों, लाखों साल पहले भी ऐसा ही रहा होगा। हिमालय के बारे में बोलते हैं कि आज से लगभग 5 करोड़ साल पहले बने, ऐसी रिसर्च में पाया गया है कि कोई कॉन्टिनेंटल प्लेट नीचे ऑस्ट्रेलिया के साइड से टूट के इधर टकराई थी, तो उससे जो फ्रिक्शन हुआ, घर्षण हुआ, उससे हिमालय हिमालय श्रृंखला बनी और उसके बाद ही गंगा जी का उद्गम हुआ। तो 5 करोड़ साल पहले अगर हिमालय आए तो गंगा जी की हिस्ट्री भी करोड़ों साल पुरानी है। तो सोचिए, मतलब मानव सभ्यता के आने से पहले, सभ्यता तो छोड़िए, मानव के आने से पहले से ही ये दृश्य चल रहा होगा कि हिमालय से गंगा निकल रही हैं और उन पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। आज मैं करोड़ों साल बाद भी ये नोटिस कर रहा हूँ, आज से लाखों साल पहले जब इंसान आ चुका था धरती पर, उसने भी यही देखा होगा, यही ये तीन चीज़ों का सेटअप, हिमालय, गंगा जी और सूर्यदेव। आज से 100 साल बाद भी यही चलेगा, 500 साल बाद भी यही सेम चीज़ होगी, बस ये सब नहीं होगा, ये लोग नहीं होंगे, कोई और लोग होंगे, कोई खुशी में आएगा यहाँ पर, कोई दुख में आएगा, कोई उदास होके बैठेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को अकेले बैठे देखा है यहाँ पर, किसी सोच में डूबे हुए, सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से इंसान यहाँ पर आ रहा है, लोग बदल रहे हैं, लेकिन ये तीन चीज़ें नहीं बदल रही हैं, हिमालय, गंगा जी और सूर्य, आकाश। कभी कभी सोचते हैं कि हम लोगों की हैसियत ही क्या है, हमें लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, हम खड़े हैं गंगा जी के पास, हम आए हैं, जबकि गंगा के सामने तो कितने ही लोग आए और चले गए होंगे, कितनी बातों को गंगा जी ने सुना होगा। मेरे एक मित्र हैं यहाँ पर ऋषिकेश में, वो बोल रहे थे कि आपके मन में अगर कोई बात हो ना तो उसे गंगा जी को बताना चाहिए। कितने लोगों की बातों को गंगा जी ने सुना होगा, करोड़ों अरबों लोगों को, और आने वाले समय में कितने लोग यहाँ पर आएंगे। चलिए, खैर, इसी विचार के साथ, हर हर गंगे।